नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा और इस चैनल में हम लोग बात करते हैं आंखों के बारे में और आंखों से संबंधित बीमारियों के बारे में। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं या फिर ऐसी सर्जरी हैं जो इस योजना के अंतर्गत बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं, ना सिर्फ सरकारी अस्पताल में बल्कि ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो कि इस योजना के थ्रू, मतलब कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं या जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं उनमें बहुत सारे ऑपरेशन मुफ्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन की। एक सवाल जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लेंस कौन सा डाला जाता है, क्या अगर मैं आयुष्मान योजना से अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाऊंगा तो मेरा मल्टीफोकल या इडॉफ लेंस मेरी आंख में डाला जाएगा? तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें मल्टीफोकल या इडॉफ लेंस नहीं डाला जाता है। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, ये जो योजना है ये जन साधारण के लिए है कि हम जो भारत की जितनी भी आबादी है उसमें से जो मैक्सिमम लोग हैं वो इससे फायदा उठा सकें। और दूसरी बात ये कि ये हर इंसान को चीज सूट करनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में आपको बताया होगा कि जो मल्टीफोकल लेंसेज हैं और जो इडॉफ लेंसेज हैं वो हर आंख को सूट नहीं करते हैं। हर आंख जो होती है किसी भी इंसान की वो एलिजिबल या फिर फिट नहीं होती है मल्टीफोकल या इडॉफ लेंस के लिए। अगर आपको पर्दे की कोई बीमारी है, पर्दे में सूजन है, अगर आपको शुगर है या फिर उम्र के साथ में आपका पर्दा खराब हो रहा है, अगर आपको काला पानी है या आपकी जो पुतली है वो अच्छे से फैल नहीं रही है, तो ऐसी आंखों में जो मल्टीफोकल और जो इडॉफ लेंसेज होते हैं वो अच्छा काम नहीं करते हैं। लोग ऐसे लेंस डलवाने के बाद बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं। और जो आयुष्मान योजना है वो मोदी सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जो कि हर इंसान को सूट करनी चाहिए। तो इस वजह से एक तो मल्टीफोकल और इडॉफ लेंस नहीं डाले जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये मेरी आंख को सूट कर रहा है मल्टीफोकल या इडॉफ लेंस तो मैं इस योजना के अंतर्गत क्यों नहीं डलवा सकता हूँ, जबकि जो अमाउंट जो बोला जाता है कि वो 5 लाख तक के ऑपरेशन आप करवा सकते हैं। जो 5 लाख है वो एक इंसान के सारा जो टोटल बॉडी है उसकी सर्जरीज का होता है और हर एक अलग अलग सर्जरी का जो अमाउंट है वो फिक्स कर दिया गया है। कि जैसे अगर आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है तो उसमें जो आप 7,500 इसमें मैक्सिमम रेट होता है, ठीक है, तो जो हॉस्पिटल को जो मिलता है सरकार की तरफ से वो 7,500 का पैकेज मिलता है, तो वही वाला लेंस डाला जाता है। तो ये वजह होती है कि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है आयुष्मान योजना के अंतर्गत उसमें मल्टीफोकल या इडॉफ लेंस नहीं डालते हैं। अब बात आती है कि ये लेंस नहीं डालते हैं तो हम कौन सा लेंस डालते हैं, तो हम इसमें मोनोफोकल हाइड्रोफोबिक फोल्डेबल लेंस डालते हैं। ये लेंस भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी का लेंस होता है, हर आंख को सूट करता है। हाइड्रोफोबिक लेंस का जो मटीरियल होता है वही आजकल चलन में है। हाइड्रोफोबिक मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें कि ऑपरेशन के बाद में जो दोबारा लेंस के पीछे जो झिल्ली आ जाती है या जो गंदगी आ जाती है या फिर लेंस के पीछे जो मैला आ जाता है तो वो आने की संभावना बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए आजकल हाइड्रोफोबिक मटेरियल ही अधिकतर आंखों में डाला जाता है। अब अगली बात ये कि मोनोफोकल लेंस से क्या कोई नुकसान होता है? नहीं, मोनोफोकल लेंस से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, मोनोफोकल लेंस का ऑपरेशन करवाने के बाद मरीज को चश्मा लगाना पड़ता है। दूर का तो आपको साफ दिखता है लेकिन पास के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है और कुछ कुछ केसेस में ये संभावना होती है कि दूर के लिए भी हल्का फुल्का चश्मे का नंबर आ जाता है। बाकी मोनोफोकल लेंस से मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती है। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाए जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।